हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थर्टीज रेसिपी। आजकल जो पेंडेमिक टाइमिंग चल रहा है, तभी हमें बाहर से अगर कोई स्वीट्स लानी है तो हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। अगर हमें घर पे बनी हुई शुद्ध स्वीट मिले और हाइजीन स्वीट मिले तो बहुत ही मजा आ जाए ये त्योहारों का। तो आइए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं घर पे ही अच्छे से काजू कतरी और एंजॉय करते हैं दिवाली टाइमिंग। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए और प्लीज रेसिपीज को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, काजू कतरी बनाना बहुत ही सिंपल है, एकदम इजीली है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। काजू है, काजू लिए है मैंने 250 ग्राम्स और इसे मैंने टोटली चिल्ड किया है, जिसे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने फ्रीजर में रखा था। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी फ्रीजर में रख सकते हैं और एकदम ही चिल्ड होने चाहिए काजू। तो इसका हम पाउडर बनाएंगे। उसके साथ लिया है मैंने 250 ग्राम के सामने लिया है मैंने 200 ग्राम चीनी और आधा कप जितना पानी, मतलब 1 कप चीनी है, आधा कप पानी है और 1 चम्मच जितना देसी घी है। तो आइए सबसे पहले हम काजू का पाउडर बनाते हैं। सबसे पहले हम काजू का पाउडर बनाने के लिए आधा काजू मिक्सर जार में ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं आवाज भी इतना क्रंच आ रहा है, तो इसमें हमें पाउडर पीसने में बहुत ही आसानी रहेगी। फ्रेंड्स, 1 बैच हमने पीस लिया है, अभी इसे हम छान लेंगे। पाउडर को हमें छान लेना है और मोटे मोटे टुकड़े को हमें वापस ग्राइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने चिल्ड किया है काजू को, इसके लिए इसका ऑयल जल्दी से रिलीज नहीं होता। हमेशा ऐसा होता है कि ड्राई फ्रूट जो रहते हैं तो उसका ऑयल तुरंत ही रिलीज हो जाता है। आप मूंगफली का देखो, काजू देखो, बादाम देखो, जिसके हम जैसे ही हम इसे ग्राइंड करते हैं, अगर वो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा तो उसका तुरंत ही ऑयल रिलीज हो जाता है और फिर हमारा पाउडर प्रॉपर नहीं बन सकता। इसीलिए हमने काजू को चिल्ड किया है, एकदम फ्रीज किया है फ्रीजर में। साथ ही मैं दूसरा बैच भी ऐड कर देती हूँ और वापस से चर्न कर लेती हूँ। हम वापस से ये पाउडर को छान लेते हैं। फ्रेंड्स, छानने के बाद वापस इसका दरदरा टुकड़ा है, इसे भी हम छानेंगे, लेकिन इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से हमारी काजू कतरी बहुत ही टेस्टी बनेगी, हल्का सा मिल्की फ्लेवर आएगा और एकदम ही यम्मी। तो ये मैं 20 ग्राम जितना मिल्क पाउडर ऐड करती हूँ और साथ ही मैं अभी इसे वापस चर्न कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा काजू का पाउडर होके रेडी है, बस अभी टाइम है चाशनी बनाने का। तो बनाते हैं चाशनी। उसके लिए हम यूज करेंगे सबसे मोटी तले वाली कढ़ाई, जो हो सके उतनी थोड़ी बड़ी लीजिए ताकि आपको स्प्रेड करने में और मिक्स करने में आसानी हो। हमें क्वांटिटी इतनी बड़ी ज्यादा बनानी नहीं है, लेकिन हम अगर बड़ा बर्तन यूज करेंगे तो उसमें अच्छे से स्प्रेड होगा और ठंडा भी जल्दी से हो जाएगा, लेकिन मोटे तले वाली जरूरी है। जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है उसे हम 1 चम्मच घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि चाशनी और जो हमारा काजू कतरी का मिश्रण हम रेडी करेंगे वो तले पे चिपके नहीं। हर एक जगह से हम ग्रीस कर लेंगे कढ़ाई को घी से, और ये एक्स्ट्रा घी है जो हम यूज करेंगे चाशनी में। एक कप शुगर और आधा कप पानी के साथ हम चाशनी बनाएंगे।
फ्रेंड्स, हमें चाशनी को दो तारी चाशनी बनाना है, मतलब एकदम कड़क चाशनी बनाना है। इसीलिए हम थोड़ा सा ज्यादा उबालेंगे और एकदम ही पकेगी जब तक चाशनी, तब तक इसे हम उबालेंगे। फ्रेंड्स, अराउंड 5 मिनट हो गई है, हमारी चाशनी जो है वो ठीक होने लगी है। एक बार हम तार चेक कर लेते हैं, अगर आपको समझ में आए तो लास्ट ड्रॉप जब भी गिरेगा तभी भी उसमें से एक तार निकलेगा, ऐसा नहीं तो आप एक हल्का सा अमाउंट लीजिए इसके अंदर और हल्का ठंडा होने के बाद अपने हाथों के बीच में एक बार चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं तार उठ रहा है लेकिन पूरा तार बन नहीं रहा है। अभी 2 से 3 मिनट हमें और पकानी है चाशनी को मीडियम आंच पे और फिर हमारी चाशनी जो है वो रेडी है। फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद एक बार वापस चेक कर लेते हैं हम चाशनी। आप देख सकते हैं अच्छे से तार उठ रहा है और बहुत ही अच्छे से तार बन रहा है। हमारी 2 तार की चाशनी एकदम रेडी हो गई है। तो बस इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे काजू का पाउडर। लेकिन फ्रेंड्स, मैं गैस को टर्न ऑफ कर लेती हूँ, बिकॉज गैस चालू रहेगा तो हमें बहुत ही टेंशन रहता है कि कैसे होगा क्या होगा। बंद कर देंगे, गैस को टर्न ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा और धीरे धीरे हम अच्छे से काजू कतरी का मिश्रण बना सकेंगे। ऐड करते हैं सारा काजू का पाउडर, धीरे धीरे करके ऐड करती हूँ मैं और मिक्स करती जा रही हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी अगर आपके पास बड़ी सी कढ़ाई है तो आपको बहुत ही आसानी होगी काजू का मिश्रण मिक्स करने में। एकदम अच्छे से मिक्स करना है और मुझे अभी इसको गैस के ऊपर रखने की जरूरत नहीं लग रही है। हमारा जो मिश्रण है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है और इसे जैसे जैसे ठंडा करेंगे वैसे वैसे एक डो शेप ले लेगा और अच्छे से ये हम रोल कर पाएंगे काजू कतरी को। तो अगर आपको कोई भी स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपकी चाशनी जो है वो हल्की सी पतली हुई है, तो ये टाइम पे अगर आप ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए वापस गैस के ऊपर रख दीजिए और चलाते रहिए तो आपकी कंसिस्टेंसी वापस जो है वही आ जाएगी और थिक हो जाएगा मिश्रण भी और अच्छे से आप उसे रोल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसे अभी हमें मिक्स करते रहना है, जरा भी इसे छोड़ना नहीं है, बिकॉज हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत ही गर्म है और अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ऊपर एक लेयर बन जाएगा, ऊपर एक परत बन जाएगी जो काजू कतरी में बीच में आएगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इसे मिक्स करते हुए ही ठंडा करना है। अगर पैन के नीचे आप बैठ गए हैं तो 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ठंडा होके एकदम ही अच्छे से सेट हो गया है, एकदम ही मस्त सा डो प्रिपेयर हो गया है। तो बस इसे हम ले लेते हैं बटर पेपर पे। फ्रेंड्स, एक मिस्टेक मेरी हो गई है, मैंने हाथ में ग्रीस नहीं किया था। अगर हाथ में चिपक रहा है ये हमारा डो तो थोड़ा सा हल्का सा हाथ को घी से ग्रीस कर लीजिए और फिर इसे बटर पेपर के ऊपर रख दीजिए। बस अभी हमें बटर पेपर में हमें कतरी को फ्लैट करना है। तो मैंने स्प्रेड कर दिया है और 2 फोल्ड करके हम इसे बेल लेंगे। थिकनेस आपके हिसाब से, आपको जो मन चाहे वो हिसाब से थिकनेस रख सकते हैं, मोटी पतली काजू कतरी आपकी चॉइस है, आपको जो हिसाब से शेप रखना है, थिकनेस रखना है वो हिसाब से आप रख सकते हैं।
अच्छे से बेल लिया है। थिकनेस भी हमने बहुत ही मोटी नहीं रखी है, बस इसे अभी हमें टोटली ठंडा करना है। टोटली ठंडा होगा, ड्राई होगा, उसके बाद हम इससे काजू कतली कट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 3 घंटे के बाद ये एकदम सूख के तैयार है हमारी काजू कतली। अभी हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए पहले साइड्स में लगा देंगे कट, क्योंकि हमारी जो साइड्स है वो अच्छे से स्क्वायर हो जाएं। हम इसे वापस यूज करेंगे या तो फिर ऐसे ही आप खा भी सकते हैं। अभी हम मनचाहे शेप में छोटा बड़ा जो हिसाब से आपको पसंद है वो हिसाब से काजू कतली को डायमंड शेप में कट करेंगे। बहुत ही इजीली कट हो जा रहा है और एकदम ही स्मूथ, एकदम ही सॉफ्ट बाहर जैसे ही काजू कतली हमारी रेडी हो गई है। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप अगर सिल्वर फॉइल लगाना चाहे तो वो यूज कर सकते हैं, गुलाब पत्ती स्प्रेड कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही प्लेन रखिए, सिंपल पिस्ता स्प्रेड कीजिए या केसर स्प्रेड कीजिए। फ्रेंड्स अभी मैंने कुछ भी स्प्रेड नहीं किया है, वैसे ही एकदम बेस्ट लग रही है काजू कतली। हमें अच्छे से डायमंड शेप में कट करना है ताकि बाहर जैसी ही काजू कतली हमें टेक्सचर में मिले। और मैं अभी आपको निकाल के भी दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया सूखी और एकदम ही मॉइश काजू कतली रेडी हो गई है हमारी। फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं हम निकाल रहे हैं काजू कतली को, बटर पेपर के ऊपर से बहुत ही अच्छे से निकल रही है और आप देख सकते हैं वैसे ही एकदम सॉफ्ट है अभी से। इसे थोड़ा सा और सूखने देंगे और सूखने के बाद ड्राई हो जाएगी, थोड़ी सी हार्ड भी हो जाएगी। मैं फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूंगी, ये देख सकते हैं एकदम ही मॉइश और एकदम ही क्रीमी हमारा काजू कतली का टेक्सचर है और खाने में भी फ्रेंड्स उतनी ही बेहतरीन है जैसे हमें बाहर से काजू कतली मिलती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, चाशनी प्रॉपर लेनी है और उसे सूखने के लिए अच्छे से छोड़ना है। तो फ्रेंड्स एकदम ही मस्त सी काजू कतली रेडी हो गई है और आप इसे सर्व करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर में बनाई है, बिल्कुल ही बाहर जैसी सॉफ्ट मॉइस्ट और डिलीशियस काजू कतली, एकदम ही स्वच्छ शुद्ध और घर पे ही बनाई हुई।